हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में द फिजिक्स कोचिंग में। हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की ये फिफ्थ क्लास है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाके उसको ज्वाइन करें और डेली पीडीएफ, हर वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कोलेक्टिव मॉडल। कोलेक्टिव मॉडल ये भी एक न्यूक्लियस को समझाने के लिए दिए गए मॉडल है। ये मॉडल कोई अल्टरनेटिव मॉडल नहीं है, जैसे लिक्विड मॉडल और सेल मॉडल का अल्टरनेटिव मॉडल नहीं है। ये है एडिशनल मॉडल, यानी कि लिक्विड मॉडल और सेल मॉडल के अंदर कुछ टर्म्स और ऐड किए गए हैं। अब कलेक्टिव मॉडल्स क्या कहते हैं? कलेक्टिव मॉडल क्या होता है? कोर कंटेंट्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इक्वल टू द मैजिक नंबर। ओके, देखो न्यूक्लियस में प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती, यानी कि बाउंड स्टेट नहीं होती। वी कैन बाउंड स्टेट, जैसे कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, तो ये सरफेस बाउंड नहीं होता। और जो इनर इसका कोर है वो ऑलमोस्ट बाउंड होता है। ये वाला कोर, ये ऑलमोस्ट बाउंड होता है। तो इसकी एनर्जी, इसके अंदर जो न्यूक्लियन है वो मैजिक नंबर के इक्वल होते हैं। अब मैजिक नंबर्स क्या होते हैं? मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 20, 28, ऐसे। वी हमने जैसे पिछली क्लासों में पढ़ा है, वो हमने पिछली क्लास में मैजिक नंबर के बारे में पढ़ा था। नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रोटेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो द टोटल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू रोटेशन एंड ड्यू टू वाइब्रेशन। नाउ दीज टू टर्म्स कमिंग फ्रॉम लिक्विड मॉडल्स एंड द न्यूक्लियर एनर्जी कमिंग फ्रॉम सेल मॉडल्स। ओके, द टोटल एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू वाइब्रेशन एंड द न्यूक्लियर सेल मॉडल। ओके, नाउ द व्हाट इज रोटेशन एनर्जी स्पेक्ट्रम इन द न्यूमेरिकल वैल्यू। ऑफकोर्स वी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसके लिए सो द रोटेशन एनर्जी इज एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i j j+1। अब j क्या है? j है टोटल एंगुलर मोमेंट। ओके, i क्या है? i है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियर स्पिन जे इज रिस्ट्रिक्टेड विथ इवन वैल्यू ऑफ विथ इवन पेरिटी। तो जो द वैल्यू है जे, वो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी वैल्यू 0, 2, 4, 6, यानी कि इवन वैल्यूज और प्लस पेरिटी। ओके, द एग्जांपल, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज इक्वल टू 0, बिकॉज जे वैल्यू इज 0, देन एनर्जी विल बी 0। नाउ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 2+, दिस इज इक्वल टू 2 इनटू 2+1, दिस इज 6 एंड दिस इज
6 h cut upon square upon 2i, and this is for 4 plus second excited state. This is equal to 20 h cut square upon 2i. Okay. Now, the graphical representation of excited states. Now, this is ground state. This is ground state. This is first excited state, and this is second stack excited state. Now, the theoretical value is this. Okay, now this is theoretical values. Now the experimental values are little less, little. This. Okay. This is rotation spectra by liquid mass, liquid rope model. Now the energy is rotation is equal to h cut square upon 2i j j plus 1 minus b j square j plus 1. Now b is, this is due to centrifugal destruction term. Okay, next page. Now what is the vibration spectra? This is ground state. This is ground state energy. This is first excited state. This is second, and this is third. Now this is 0, 2 plus, 4 plus, 6 plus, and this can take values 5. And this can sit 3. So this is 3-fold and 5-fold. J values can take place. Okay. 5. There is 5 values can take place. This is 5-folds. Now, between the energy 0 and 2 plus, the energy gap is h omega. Okay. Now the questions. Just a second, guys. The question, first question is, the single particle energy difference between p orbit p 3 by 2 and p 1 by 2 of nucleus SN5114 is 3 megawatt. The energy difference between the state in its first orbit is, now in its orbit. Now delta E is equal to E P 5 by 2 minus E F 1 by 2. Now this is P and F. Now P is in two levels, P 1 by 2 and P 3 by 2. Now EJ is equal to h cut square upon 2i j j plus 1. Now this energy is equal to given as 3 mega electrovolt.
and V minus the energy 3 by 2. This is equal to h cut square upon 2i minus 3. Now for the F log, for the F block, energy in F 5 by 2, F 7 by 2. This is equal to F 5 by 2 minus F 7 by 2 and h cut square upon 2i bracket 5 by 2, this is j plus 1. So j is 5 by 2 bracket 5 by 2 plus 1 minus j 7 j, this is again j plus 1, 7 bracket 7 by 2 plus 1, and this is equal to, this is h cut upon 2i is equal to minus 1 mega electrovolt. So this is minus 1 minus 7 mega electrovolt, and this is 7 mega electrovolt. Now we have the alternative of this question. The alternative is one by two minus one p 3 by 2. This is equal to 3 mega electrovolt. 1d 3 by 2 minus 1d 5 by 2 is 5 mega electrovolt. Then 1f 5 by 2 minus 1f 7 by 2 is equal to 7 mega electrovolt. You can do like this. This method also. Okay. Next question. The next question is, just a second, guys. A permanently deformed even nucleus with JP 2 plus has rotation energy of 93 kilo mega electrovolt. The energy of the next excited state we have to find. Now first ground state is 0 plus, first excited state is 2 plus, second excited state is 4 plus. Okay, we know E is equal to h cut square upon 2i j plus 1. This, now j value is 2. Okay, and this 2 plus 1 and j plus 1, so this is equal to 93 kilo electrovolt. This is given. Now we have to find h cut square upon 2i. This is equal to 93 divided by 6 kilo electrovolt. Okay, for the E, second excited state, E 4 plus is equal to h cut square upon 2i into 4n j plus 1, 4 plus 1. This is equal to 20 into h cut square upon 2i. This is equal to, this is equal to 93 by 6. And this 20 into 93 by 6 kilo electrovolt, and this is equal to 310 kilo electrovolt. Okay, next question.
The first excited state of the rotational spectrum of the nucleus, uranium 238, has an energy 45 kilo electrovolt above the ground state. The energy of second excited state in kilo electrovolt. Okay, we have given the first excited state. This is equal to first excited state is equal to 45 kilo electrovolt, and E is equal to h cut square upon 2i j plus 1 h cut square upon 2i j 2 j plus 1 3. This is equal to 45, and h cut square upon 2i is equal to 45 by 6. Now second excited state is E 4 plus is equal to h cut square upon 2i j value 4 into j plus 1 5, and this is equal to 150. Okay, this one. Next question is for the first three energy levels of thorium 220 are so on. This is energy levels first, second and ground. The expected spin parity and energy of the next level are given by. We know the collective models, the spin parity always plus and even. Okay. The next, what will be the next? 0, 2 plus, 4 plus. Now, third excited state is even 6 plus. Now, the answer will be 6 plus or 6 plus 3rd. Okay, so let's see. Now E2 plus is equal to h cut square upon 2 eta into j plus 1 j is 2 2 plus 1 is equal to 57.5 kilo electrovolt given. Then h cut square upon 2 I is equal to 57.5 divided by 6 kilo electrovolt. Now E6 equal to h cut square upon 2 eta 6 plus 1, and this is equal to 402.5 kilo electrovolt. Okay, that's all for guys. Video ko like zarur karein, share zarur karein apne physics doston ke sath, aur channel ko subscribe zarur karein. Hum aage bhi aur aise video laate rahenge. Kal hum padhenge radio, अगले नेक्स्ट वीडियो में रेडियो एक्टिविटी और उसकी प्रॉपर्टीज. तो स्टे कनेक्टेड विद अस. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.